हेलो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू उड़ान डिजिटल। उड़ान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, और इस मैथ्स के कोर्स को मैं आपको कैसे डिलीवर करने वाला हूँ, कैसे हम चीज़ें कवर करने वाले हैं, और किन किन लोगों के लिए ये वाला जो कोर्स होगा ये बेनिफिशियल होगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं और आपने क्लास 10th में मैथ्स स्टैंडर्ड लिया हुआ है या फिर मैथ्स बेसिक, दोनों ही कैटेगरी के लिए हम कंप्लीट कोर्स आपको दे रहे हैं, और ये हमारा पहला लेक्चर है, पहली क्लास है। तो इस पूरे चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ना, ठीक है, पूरे चैप्टर को आप डिटेल में समझना, हेडफोन लगा के शांति मन से चीज़ों को समझना, तब आप ये कंपेयर कर पाओगे कि जो स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है या आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो उसमें, और हम जो पढ़ा रहे हैं जो चीज़ें और जो सिक्वेंस हम दे रहे हैं आपको, उसमें कितना डिफरेंस आपको नजर आता है। और उसके बाद आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये चीज़ें। तो मेरा पूरा कोर्स आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप केवल मेरा ये फर्स्ट चैप्टर मेरा चलेगा, अप्रोक्स 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, पहला जो चैप्टर है। बट इन 4 लेक्चर में, इन 4 घंटे के 4 वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट, आपका चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे आरडी शर्मा का बुक हो, चाहे आरएस अग्रवाल का बुक हो, चाहे किसी भी रेफरेंस का बुक का क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आपका पिछला बैकग्राउंड कैसा रहा है मैथ्स में वो मैटर नहीं करता है, बट आज आप मेरी क्लास, पहली क्लास से अगर अटेंड करते हो चीज़ों को और बहुत अच्छे सीक्वेंस में पढ़ते हो, जो डीपीपीज में आपको देने वाला अगर उनको सॉल्व करते हो, तो यकीन मानिए आप भी आपकी क्लास के टॉपर की गिनती में आ सकते हैं, और आप भी 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं। तो एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ बहुत तामझाम आपको नहीं दिखाएंगे, है ना, जो रील्स में होता है ट्रिक्स वगैरह वो चीज़ें नहीं होगी, बहुत जीरो लेवल से, बहुत ही बेसिक से काम करेंगे, और जीरो से लेके 100 तक हम कवर करेंगे। तो चलिए अब समय ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो यहां से अब मैं डिस्कस जो करूंगा वो केवल पढ़ाई की बातें करूंगा, बाकी बातें नहीं होगी। तो आपका एक काम बनता है कि एक चैप्टर, केवल एक चैप्टर आप ईमानदारी से मेरे साथ पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद आप डिसीजन लें कि हमें आगे का कोर्स कंटिन्यू कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, हमारा चैप्टर जो है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर होता क्या है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो पेन कॉपी नोट्स लेके बैठे, ठीक है, और साथ में जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो वैसे नोट करते चलें, बिल्कुल एक कंप्लीट नोट्स आपको बनवा दूंगा बेहतरीन तरीके से, और सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको दूंगा साथ में। तो ये चीज़ें आपको इस वीडियोस के बाद धीरे धीरे पता चलने लगेगी। तो आप पहले एक वीडियो देखें, ऐसे ही 2-3 वीडियो हमारे और आएंगे, मतलब टोटल 4 क्लास आएगी, उसके बाद आप बेहतर समझ पाओगे मुझे मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो रियल नंबर एक टॉपिक है। अब रियल नंबर है तो क्या होता है, रियल नंबर, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। और रियल नंबर को समझने के लिए आपको पहले 4 से 5 मिनट छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, वो समझना पड़ेगा। अगर आप वो समझ गए तो ये टॉपिक क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि हम लोग स्कूल लेवल पर सबसे पहले जब मैथ सीखते थे तो गिनती सीखते थे, काउंटिंग सीखते थे। तो मैंने लिख दिया 1, 2, 3, और ऐसे ये जो काउंटिंग है चली जाती थी, ठीक है। और जब हम पहली क्लास में जब स्टार्टअप करते हैं क्लास में, स्कूल में पढ़ना, तो सबसे पहले हमें 1, 2, 3 पढ़ाया जाता है, ना कि आपको 1.5, 2.5, 2, है ना, 1.5, 3.3/2, ये सब चीज़ नहीं पढ़ी जाती है। हमें कंप्लीट नंबर्स बताए जाते हैं, कंप्लीट मतलब या तो 1, या तो सीधा 2, या तो 3, ठीक है। तो सबसे पहली कहानी हमने यहाँ से शुरुआत की थी। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ बेटा कि ये जो नंबर है ना, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। बेशक बहुत सारे बच्चों को ये बात पता है, कोई नई बात नहीं बताई मैंने, पर मैंने आपसे कहा था कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, और यकीन मानिए जब क्लासेस आगे बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी जो कवरेज में अभी तक नहीं आए होंगे, पर यहां से अगर आपके एक बार कवरेज में क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको आगे कभी फ्यूचर में दिक्कत मैथ्स में नहीं होने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि आपका पिछला बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो मैटर नहीं करता, यहां आपको सीक्वेंस में चलना है। तो ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा 1। चलिए तो यहाँ पर नंबर कितने आ गए सर, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 5 अप टू इनफिनिटी चले जा रहा है, ये चले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, जहाँ तक भी आप काउंटिंग करते जाओगे चले जा रहे, ये सारे ही नंबर नेचुरल नंबर है। मतलब हम लोग स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं, पर बड़े से बड़ा, हाइएस्ट या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, ये हम बता नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। तो फिर एक बच्चे ने पूछा कि सर ठीक है, अगर 1, 2, 3 ये है, तो अगर मान लो मैं यहाँ 0 भी लिख दूँ, अगर मैं इसमें 0 को इंक्लूड कर दूँ, तो अब ये 0, 1, 2, 3 ये इतना, तो ये वाला जो ग्रुप है, ये सारा का सारा जो ग्रुप है, ये ग्रुप मिला के कहलाता है होल नंबर। क्या कहलाता है साहब, ये होल नंबर। नोट में आप साथ में नोट करते चलें, आपका कंप्लीट नोट्स बनेगा और बेहतरीन नोट्स बनेगा, ठीक है। तो साथ में नोट करते चलेंगे होल नंबर। अब सोचो अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो बताइए सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा। सर होल नंबर स्टार्ट होते कहाँ से, 0 से, तो सबसे छोटा होल नंबर भी क्या हुआ, 0 हुआ। 1 होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, बट स्मॉलेस्ट नहीं है।
तो यहां से एक सवाल क्या बनता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्या बनता है अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो बिल्कुल सही है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में ही आते हैं, मतलब ये सारे नंबर होल नंबर हैं और ये जो है ये नेचुरल नंबर भी है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो यहां तक उम्मीद है आपको चीजें क्लियर होगी। उसके बाद एक बच्चे ने बोला सर नेगेटिव नंबर अगर ले ले तो माइनस वाले, तो मैंने इधर माइनस वाले नंबर भी ले लिए, मैंने ले लिया इधर माइनस वन, फिर आगे चलेंगे तो माइनस टू, फिर आगे चलेंगे तो माइनस थ्री, ऐसे ये कहानी भी चलती जाएगी। तो बोले सर ये सारे के सारे नंबर अगर मिला दें तो ये सारे के सारे जो नंबर है ये क्या कहलाएंगे? तो ये सारे नंबरों का जो ग्रुप है इनको हम कहते हैं साहब इंटीजर, क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो ये सारे नंबर जो हैं ये नंबर कहलाएंगे इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स। और नेचुरल नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको हम लोग डिफाइन करते हैं एन से, ठीक है, होल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं डब्ल्यू से, और इंटीजर्स को हम डिफाइन करते हैं जेड से। अब आपके मन में एक और डाउट आया कि सर नेचुरल नंबर में एन आ रहा है तो ये समझ में आ रहा है, होल नंबर में डब्ल्यू आर ये भी आ रहा है, पर इंटीजर में तो आई आ रहा है, तो आपने जेड क्यों लिखा? क्योंकि आई से हम लोग इरेशनल नंबर को तो क्यों सिखाते, आई से हम इसको डिफाइन नहीं करते, हम लोग डिफाइन करते इसको जेड से, क्यों? क्योंकि ये जो इंटीजर जो है ये इंटीजर नंबर की जो कहानी है ये कहानी बताई थी हमें जेहलिन साहब ने, जेहलिन एक मैथमेटिशियन है जेहलिन, तो जो जेहलिन साहब है उन्होंने हमें इंटीजर्स के बारे में कहानी जो है बताई थी, इसलिए उनके नाम के लेटर पर हमने इनको क्या बोल दिया, जेड बोल दिया, ठीक है। जेहलिन जो है वो एक मैथमेटिशियन है, उनके नाम पर इंटीजर्स को आई से ना डिफाइन करके किसे डिफाइन किया जाता है, जेड से, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक ये कहानी समझ में आई होगी आपको। तो इन नंबरों को एक और नाम से जाना जा सकता है, इनको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, इन वाले नंबरों को हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो नोट करेंगे नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करें और नोट बना लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये कहानी क्लियर हो गई आपको। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया, वन, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बिल्कुल हाँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। अगर मैं कह दूं कि क्या सारे होल नंबर इंटीजर हैं? हाँ बिल्कुल, इंटीजर ये सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे इंटीजर हैं, तो नेचुरल नंबर भी इंटीजर हुए, होल नंबर भी इंटीजर हुए। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। तो हमने इंटीजर समझा, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट आ रहा है सर? वॉइस को देखते रहना उसमें ना। डाउट आपके मन में क्या आ रहा होगा? डाउट ये आ रहा होगा कि सर ये तो कंप्लीट नंबर्स हो गए जिनको हम इंटीजर बोल रहे हैं, जो नंबर पूरा पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं होता, ठीक है, डेसिमल में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, बार में नहीं होता, जैसे 2.234 पर बार लगी वो नहीं है। अभी जिन नंबरों के हम लोगों ने बात की वो सारे के सारे नंबर अपने आप में पूरे पूरे हैं, कंप्लीट नंबर हैं, और कंप्लीट नंबरों को ही हम इंटीजर कहते हैं। या तो एक हो या सीधा दो हो या सीधा तीन हो या जीरो हो या माइनस वन हो, ढाई सवा दो पुने दो आधे दूधे की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि सर अगर नंबर आधे दूधे और फ्रैक्शन में तो उनके बारे में क्या हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इन नंबरों को हम लोग कहते हैं क्या? इंटीजर। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में, इंटीजर क्या होते हैं। अब कुछ नंबर होते हैं जिनको हम कहेंगे नॉन इंटीजर्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो टॉपिक है नॉन इंटीजर्स, तो सर इंटीजर तो हमें समझ में आ गया, पर ये नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं? तो नॉन इंटीजर्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है, नॉन इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो अपने आप में पूरे पूरे नहीं होते, आधे दूधे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेता हूं, यहां पर कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं नॉन इंटीजर नंबर्स के। जैसे मैं लिखा 2.5, तो ये नॉन इंटीजर है, पूरा पूरा नहीं है अपने आप में, यहां दो है प्लस हाफ है, ठीक है, टू एंड हाफ है, ढाई है, ये नॉन इंटीजर हो गया। और कोई सा नंबर सर? और एक नंबर ले लेते हैं, मैंने लिखा 3.2222, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं साहब एक और तरीके से 3.2 पर बार, ये भी नॉन इंटीजर नंबर है, ठीक है, ये भी नॉन इंटीजर नंबर हुआ। आगे बढ़ते हैं और कुछ और नंबर हम ले लेते हैं, नॉन इंटीजर्स वाले एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो और क्या हो सकते हैं नॉन इंटीजर में आपके पास? फ्रैक्शन में ले लेते हैं 3/2, ये भी एक नॉन इंटीजर हुआ, ये भी एक नॉन इंटीजर नंबर हुआ। अच्छा मैं पाई को भी ले सकता हूँ, पाई ये भी एक नॉन इंटीजर नंबर हुआ, बट अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, इसको मैं आगे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हमने ये नॉन इंटीजर नंबर ले लिए, ये जो नंबर है पूरे पूरे नहीं है, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं नॉन इंटीजर नंबर। नॉन इंटीजर ये पूरे पूरे नहीं है, फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है या रिपीटिंग नंबर में है, ठीक है। इतनी कहानी आपको क्लियर है क्या? ये नॉन इंटीजर नंबर हो गए, पूरे पूरे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, सर आपको इंटीजर और नॉन इंटीजर समझ में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कहानी समझ में आई कि अगर हम लोग क्या करें बेटा, अगर हम लोग क्या करें, एक तो होता है इंटीजर जिसको हम बोलते हैं जेड, लिख दो ऐसे,
इंटीजर्स, और एक होता नॉन इंटीजर्स, ये पूरा ही लिख देते चलो। इंटीजर मतलब कौन से नंबर जो पूरे पूरे होते हैं, और एक कौन सा होता है नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर। एक तो हमने पढ़ा इंटीजर्स, एक हमने पढ़ा नॉन इंटीजर्स। अब मेरी बात ध्यान समझना ना, चीजों को सीक्वेंस में जोड़ना है हमें, इसलिए मैं इतने आराम से और स्लो में चीजें चला रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको किस तरीके का। देखो ये नेचुरल नंबर, फिर इसमें एक जीरो इंक्लूड हो गया तो नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आ गया, फिर अगर इसमें माइनस वाले भी इंक्लूड हो गए तो ये हो गया इंटीजर। अब इंटीजर ये है, और एक और कैटेगरी रहेगी कौन सी, नॉन इंटीजर वाली। तो सर अगर मैंने इनका भी ग्रुप बना दूं, इन सबका ग्रुप बना, इसको भी इंक्लूड कर लूं इसमें, तो फिर क्या होगा, फिर ये क्या कहलाएंगे। तो मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं, फिर ये क्या कहलाएंगे। तो अगर मैं इनको और इनको कंबाइन कर दूं तो ये जो नंबर हैं ये सब मिलके कहलाएंगे रेशनल नंबर, ये नंबर्स मिलके कहलाएंगे रेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर, रेशनल। अभी रियल नंबर पर नहीं है ना हम, टॉपिक क्या समझना चाह रहे हैं, रियल नंबर क्या होता है, पर मैं ये रियल नंबर पे आपको ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो रियल नंबर समझने के लिए पहले आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप एक लिंक बना पाओगे और आप समझ पाओगे एक्चुअल में रियल नंबर है क्या। चलिए कहानी क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इंटीजर में हमने क्या क्या पढ़ा, इंटीजर में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी। इंटीजर में हमने देखा नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, और बस इंटीजर ही होते हैं फिर, ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं, नेगेटिव माइनस वाले नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी मिला के क्या बना, इंटीजर। एक होता है नॉन इंटीजर मतलब डेसिमल वाले, है ना, डेसिमल या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में, ये वाले नंबर नॉन इंटीजर में आ गए। यदि आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी, और ये सब मिलके, ये सारा का सारा मिलके क्या कहला रहे हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, सर दुनिया में जितने भी नंबर हैं उनमें से वो वाले नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है, इसका डेफिनेशन, नंबर्स, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, रिटन इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहां पर वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूं मेरा नाम अखिलेश है, तो मैं कहूँगी अखिलेश सर, अखिलेश सर बिलोंग्स टू धनगांव, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव का नाम धनगांव है, तो मैं लिख सकता हूँ अखिलेश सर बिलोंग्स, बिलोंग्स मतलब मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं कहाँ से हूँ, तो मैं धनगांव से हूँ। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, पी और क्यू कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से, और उम्मीद है आपको इंटीजर पता है अब, और ये आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज पढ़ते आना चाहिए अब, तो मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा। पी एंड क्यू मतलब ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखेंगे ना, बटे में चीजों को लिखेंगे ना डिवाइड में, तो उसमें जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा और नीचे वाला जो डिनोमेटर होगा, ये दोनों ही कहां से होने चाहिए, वो दोनों ही इंटीजर से होने चाहिए। इंटीजर क्या होता है, पूरा पूरा नंबर, आधा दुधा, फ्रैक्शन में नहीं होना, जो नंबर अपने आप में पूरा होता है, कंप्लीट होता है, उसको हम कहते हैं इंटीजर। क्या ये बात आपको क्लियर है। तो यहां पर और यहां पर पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, और साथ में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, बटे में मतलब क्यू का जो वैल्यू है जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कोई डेसिमल फॉर्म, कोई डेसिमल फॉर्म जिसको हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, और क्या चेक करें, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला दोनों ही पूरे पूरे नंबर हो मतलब इंटीजर हो, और बटे में जीरो नहीं होना, डिनोमीटर में जीरो नहीं होना, अपॉन में जीरो नहीं होना, तो ऐसे केस में हम कहेंगे ये रेशनल नंबर है। तो अभी मुझे उम्मीद है ये आपको उतनी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, पर 2 मिनट का समय दे मुझे, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप चाहोगे तो भी चीजें भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको रेशनल नंबर बताया, उसकी डेफिनेशन लिखी, अब मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि जो रेशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन तो हमने लिख ली, पर बेसिकली अगर इसको हम समझना चाहें एग्जाम्पल के थ्रू कि सर क्या होते हैं रेशनल नंबर, तो मैंने आपसे कहा कि ये सारे नंबर रेशनल हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, सारे के सारे इंटीजर, ये सब रेशनल हैं। मैंने कहा ये सारा ग्रुप मिला के क्या होता है, रेशनल होता है, सारे इंटीजर और सारे नेगेटिव नंबर सब रेशनल होते हैं। इंटीजर में कौन कौन आ गया सर, यहाँ पर इंटीजर्स में आ गया है आपके पास -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे नंबर यहाँ पर हैं, और यहाँ पर कौन सा था, एक तो 3/2 था, एक था 2.5, कुछ भी लिख सकते हो, एक था 5.2 पर बार, ऐसे लिख दो मैं, बार का मतलब होता है कि इसके बाद में 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो
तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं चाहूं अगर तो इन सारे नंबरों को पी बाय क्यू में लिख सकता हूं। जैसे अगर मान लो मैं उस माइनस टू को पी बाय क्यू में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस टू अपॉन में वन। देखो ये पी रहा, ये क्यू रहा, और अपॉन में जीरो भी नहीं है, और देखो पूरा पूरा है, माइनस टू ऊपर है, पूरा पूरा डेसिमल में नहीं, और नीचे भी पूरा पूरा नंबर है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा। और एक बात और, रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं साहब हम लोग क्यू से। किससे डिफाइन करते हैं? क्यू से। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, क्यू है। पहली चीज क्लियर। तो मैं इन सारे इंटीजर के अपॉन में वन लगा सकता हूं, ठीक है, इन सारे इंटीजर के अपॉन में वन लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समझना मेरी बात को, मुझे एक बात बताओ मुन्ना ये कितना लिखा है, तो आप कहेंगे सर टू। मैं कहूंगा नेगेटिव या पॉजिटिव, प्लस का या माइनस का, तो आप कहेंगे सर प्लस का। क्या आपको इसमें प्लस दिख रहा है? फिर आपने क्यों प्लस बोला, तो आप कहेंगे कि सर प्लस होता है, यहां पर प्लस होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये प्लस का टू है। तो जैसे यहां प्लस होता है रूट में, जैसे यहां पर रूट की पावर टू होती है, वैसे ही अगर किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो आप वहां पर वन लिख सकते हैं, वहां वन होता है। क्लियर? तो मैं सारे इंटीजर्स के अपॉन में वन लिख सकता हूं, यहां तो कोई डाउट। तो सारे इंटीजर को मैं पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, इसलिए वो क्या होंगे, सारे के सारे रेशनल होंगे। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब जो ये है, इस फ्रैक्शन फॉर्म को देखते हैं, क्या मैं 3/2 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं? अरे सर वो तो लिखा हुआ है ना वहां, कोई ये रहा पी, ये रहा क्यू, और अपॉन में क्यू का मान जीरो भी नहीं है, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ और होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं है वहां पर, कुछ और है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया सर, ये भी पक्का पक्का क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। मैंने 2.5 को लिया, आप सोचो 2.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो दुनिया जानती है 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 का मतलब होता है ढाई, और ढाई का मतलब होता है 5/2, 5 का हाफ, डिवाइड बाय 2 मतलब हाफ, तो 5 का हाफ कितना होता है ढाई। तो ये हो गया आपके पास पी, ये हो गया क्यू, मतलब हमने इस 2.5 को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब कि ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और यहाँ पर क्यू जीरो भी नहीं है। जो ये वाला सवाल है ये नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़ते हो, पर फिर भी बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, सॉल्व करते हैं, तो मैं बता देता हूँ। फोर्थ, इस पर ध्यान देना, सीबीएसई स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, ऐसा एक सवाल दे देगा और कहेगा कन्वर्ट इंटू फ्रैक्शन, और आप नहीं कर पाते हो तो क्या करना है, देखिएगा यहां पर लिखा है 5.2 पर बार। सबसे पहला काम आपका होगा, इसको ऐसे लिखो 5 प्लस 0.2 पर बार, जो इंटीजर पार्ट है, जो पूरा पूरा नंबर है, उसको बाहर निकाल दिया। अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, 5 प्लस, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, 5 प्लस, और जो 0.2 पर बार है, तो अब जो मैं यहां बोलने जा रहा हूं उसको नोट करना साथ में। क्या करना है, हमेशा जब भी ऐसा बार वाला सवाल आए तो क्या करोगे, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद जो लिखा है उसको लिख लो, जो भी लिखा हो, 2 लिखा हो, 2.5 लिखा हो, 3.5 लिखा हो, यहाँ पर सिंगल नंबर, डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है उसको लिख लो, ठीक है, और अपॉन में क्या लगाओ, अपॉन में हमें 9 लिखना है, क्या लिखना है 9, तो 9 कितने, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 कितने, तो आपको ये देखना है कि जो बार है वो कितने नंबरों पर है, बार जो है वो कितने डिजिट पर है, सर एक ही डिजिट पर बार है, कितने डिजिट पर है, बार जो है वो एक ही डिजिट पर है, और अगर बार एक ही डिजिट पर है तो आप 9 भी कितना लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आपने एक 9 लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 × 5 = 45 + 2 = 47, 47/9। आप चाहो आपकी आत्मा की शांति के लिए आप 47/9 को डिवाइड करके देख लो, जब 47 को 9 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम डिवाइड होगा, उसके बाद 2, 2, 2 आते ही जाएगा, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसे दूसरे सवाल हो तो आप टेंशन ना लो, मैं केवल यहाँ पर इनडेफिनेट समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आगे आपको करवाने वाला हूँ, मतलब आपके जो डाउट है मन में थोड़ी बहुत वो क्लियर हो जाएंगे, उनकी बात की टेंशन नहीं है। अच्छा बताओ, क्या आपको रेशनल नंबर की दिलवा, दुनिया के वो सारे नंबर जिनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी बाय क्यू में, ठीक है, ये देखो मैंने इसको भी पी बाय क्यू में लिख दिया, ये रहा हमारा पी, ये रहा क्यू, और क्यू जीरो भी नहीं है, और दोनों इंटीजर हैं, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी होगा साहब रेशनल नंबर, ये भी होगा रेशनल नंबर, ये भी होगा रेशनल नंबर। अब आपके मन में फिर एक कहानी भटकी, क्या कि सर सारे के सारे नंबर तो रेशनल है, तो फिर इरेशनल कौन होगा, इरेशनल कौन होगा, ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनको हम ऐसा नहीं लिख सकते, जिनको ऐसे लिख सकते हैं, जिनको पी बाय क्यू में लिख सकते वो तो हो गए रेशनल, पर जिनको हम पी बाय क्यू में नहीं लिख सकते वो कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, तो आइए हम उन नंबरों को समझते हैं कि कौन से दुनिया में ऐसे नंबर हैं जो पी बाय क्यू में नहीं होते हैं, ठीक है, दुनिया में ऐसे कौन से नंबर हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं होते हैं, तो डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं दुनिया में जो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। चलिए एक बात बताना यार दोस्त, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 2.32987235 और चले जा रहा है, अब मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं,
कि अगर ये नंबर ऐसा होता ना, 2 3 2 3 2 3 2 चले जा रहा है, तो मैं इसको लिखता 3 2 पर बार, और इस चीज को मुझे पी बाई क्यू में लिखते आता है। आपको नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, अगर डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, अगर डेसिमल के बाद नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं और ये रेशनल होता है। क्यों होता है? रेशनल होता है। पर आप मुझे बताओ, यहाँ कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा और बदल बदल के आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा, और कहाँ तक जा रहा हमें पता भी नहीं है, तो इसको पी बाई क्यू में हम नहीं लिख पाएंगे। कोई तरीका भी नहीं है लिखने का। तो ये वो नंबर है जिनको हम पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते, है ना, नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इसलिए इनको हम कहेंगे इरेशनल। अब आपके दिमाग में एक बात आई, सर कौन है ये, कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं रूट वाले नंबरों से, ऐसे नंबर जो रूट से पूरी तरह बाहर नहीं आते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जब हम रूट थ्री को सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो ऐसे आता है, ठीक है। तो ये आएगा 1.73295 और ये चले जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ऐसा ही आता, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। डेसिमल के बाद नंबर आते जाता, आते जाता है। तो अब यहाँ से कहानी और ट्विस्ट बना। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। सर ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं वो रेशनल, जिनको हम पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते वो कौन से हैं? सर वो ये हैं। अब इनका नाम क्या है? तो यहाँ तक कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले एक बार क्लियर कर दो कि क्या हमने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी वो क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, होल नंबर। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, साथ में नोट बनाना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा, ठीक है, डेसिमल्स, ठीक है, इंटीजर, नॉन इंटीजर क्या होते हैं, नॉन इंटीजर के बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इरेशनल हमने समझ लिया, सर जिनको हम पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते वो इरेशनल। बहुत ज़्यादा कहानी मैंने नहीं बताई, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, सर टाइप ऑफ डेसिमल क्या होता है, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। देखो भैया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा लगे कि सर ये तो सिलेबस से बाहर जा रहा है। तो भैया, सिलेबस से एक चीज भी, एक रत्ती भर चीज भी बाहर नहीं जाएगी। बस ये बात अलग है कि स्कूल लेवल पर आपको चीजें नहीं पढ़ाई जाती इतनी, ठीक है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि सिलेबस से बाहर है, बट जब आपका कोर्स खत्म होगा, जब एग्जाम्स आएगी बोर्ड की, उस टाइम में आपको सारी चीजें आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ सारी क्लास अटेंड करते हैं तो दुनिया का कोई भी आप बुक उठा लीजिए, सारे के सारे बुक्स आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन कवर सकते हैं। इसलिए मैं डिटेल में लेके चल रहा हूँ और बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, चार वीडियो में आपका चैप्टर वन खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो बस शुरुआती लेवल पर एक बेस बनाना होता है, बेस को अगर क्लियर कर लिया तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए, तो डेसिमल क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं। तो डेसिमल में हमारे पास तीन टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होता है मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, बस लिख लें दो। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं वो टर्मिनेट हो जाता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में नोट करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, रिपीटिंग या रिकरिंग। और थर्ड जो टाइप आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अब क्या है ना कि ये जो है लिखने में बहुत टाइमिंग, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। टर्मिनेटिंग को मैं लिखूंगा टी, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को मैं लिखूंगा NTR, जैसे किसी मूवी का नाम हो NTR, और इसे मैं लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग NTNR, NTNR। अब ये क्या होता है ये समझिएगा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तीनों जगहों पर, पहला एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक डेसिमल एक्सपेंशन लिया 5/2, सोचो जब 5/2 को आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास। जब आप 5/2 को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.5, या आप करके देखिए साहब एक बार 2.5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो जो मेरा डेसिमल आंसर आया, जो मेरा डेसिमल में आंसर आया, वो डेसिमल के बाद कहीं जाके खत्म हो गया। मतलब 5 के बाद अब नंबर नहीं आ रहा, वो खत्म हो चुका है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दशमलव के बाद नंबर खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा रुक जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, अगर मान लो मैंने लिख दिया 1/3, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिया मैंने, एक मैंने लिखा 1/3। सोचो जरा, कैलकुलेट करो आप खुद बैठ के आराम से, 1/3 को सॉल्व करो, देखो क्या आता है, और कमेंट में लिखो भी क्या आ रहा है 1/3 को सॉल्व करने पर। तो 1/3 को सॉल्व करने पर आंसर मिल रहा होगा 0.33333,
थ्री एंड सो ऑन। मैं इसी चीज को लिख सकता हूं 0.3 पर बार, मतलब यहां पर दशमलव के बाद क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, 3 3 3 3 चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। मतलब सर NTR नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये दशमलव के बाद खत्म तो नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है, एक नंबर है जो कोई बार 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 आ रहा है तो रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहां कौन से नंबर आएंगे, तो सर NTNR में इरेशनल नंबर आएंगे, मतलब ऐसे कुछ 3.1478952 ऐसा, और ये चले जाएगा। अच्छा देखो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे, बदल बदल के आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में फिर वही सवाल आया कि कहां से आते हैं, तो सर जितने भी रूट वाले नंबर हैं जैसे रूट थ्री हो गया, रूट टू हो गया, रूट फाइव हो गया, रूट सिक्स हो गया, रूट सेवन हो गया, रूट एट हो गया, रूट टेन हो गया, ये सारे के सारे नंबर को जब सॉल्व करते हो ना तो ऐसे नंबर मिलते थे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसे नंबर, कैसे सॉल्व करते हो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो और अभी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो रूट थ्री को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो ऐसा मिलता है 3.1478829 ऐसे कुछ मिलता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है ऐसा कुछ मिलता है, मैं ये कह रहा हूँ, क्लियर बात। अब आपके मन में एक डाउट है कि सर मैंने यहाँ रूट फोर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया रूट फोर जो है ना वो इधर आएगा, रूट फोर जो है इधर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रूट फोर का मतलब होता है टू, और टू मतलब 2/1 हो गया, तो ये डेसिमल में जा ही नहीं रहा है, ये तो डेसिमल ही नहीं है रूट। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, हमने समझा कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग और NTR नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नंबर है जिनको हम पी बाय क्यू में लिख सकते हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे रेशनल नंबर। ये वो नंबर है जिनको हम कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, और रेशनल नंबर का रीजन मैं पहले बता चुका हूं, दैट मीन ये सारे नंबर को मैं पी बाय क्यू में लिख सकता हूं, और मैंने तरीका बताया भी, अगर आपको कोई नंबर को पी बाय क्यू में लिखते नहीं आता तो मैं आगे सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये नंबर कहलाते हैं आपके रेशनल, क्लियर बात यहां तक, डेसिमल वाली कहानी भी समझ में आ गई और रेशनल नंबर भी समझ में आ गया। और ये वो नंबर है जिनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, क्या कहते हैं इनको हम, इरेशनल नंबर। उम्मीद है यहां तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी, इरेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने आप लोगों को केवल अभी एक बेसिक लेवल दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से होंगे जो आपको अगर आप खुद से पढ़ना चाहोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, इसलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर जाएंगे जिससे आपको और चीजें क्लियर होगी, डेफिनेशन वगैरह समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, सब आ गया, पर जब आप खुद अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, कन्फ्यूजन क्रिएट थोड़ा थोड़ा होगा, उस थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन को हम खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपके पास ये रहा रेशनल इरेशनल से, उम्मीद है आपको रेशनल और इरेशनल समझ में आया होगा। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाय क्यू में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल, और ऐसे नंबर जिनको हम पी बाय क्यू में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल, ठीक है। तो अब बताएं आप मुझे कि क्या पाई माइनस 3.14 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या इसका आंसर जीरो आएगा। इसको आप सॉल्व करके बताएं कि भैया क्या पाई माइनस 3.14 का जो आंसर आएगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये बताओ कि क्या इसका आंसर रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा या जीरो आएगा। तो यहां पर कहानी क्या है, बहुत सारे बच्चे तीनों ही आंसर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, बट तीन आंसर नहीं आएंगे, आएगा एक ही। आप गलत क्या करते हो वो पहले मैं दिखा देता हूं। तो बहुत सारे बच्चे पहली गलती क्या करते हैं, सर लिखते हैं गलत वाली चीजों, पाई माइनस 3.14, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पाई का वैल्यू तो 3.14 ही होता है, तो लिखा 3.14 इसका वैल्यू माइनस 3.14 और आंसर क्या ले आया, जीरो, और उसने लिख दिया कि सर इसका जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, और जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि इंटीजर है वो, और इंटीजर रेशनल होते हैं, ठीक है, सारे के सारे इंटीजर, वो नंबर लाइन पे जितने नंबर हैं सारे रेशनल होते हैं, तो उसने इसको बोल दिया कि सर ये जीरो होगा, और जीरो तो जीरो लगा दिया, ठीक है। अब एक बच्चे ने तो ये गलती की क्योंकि गलत है, सही नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ गलत कैसे कैसे हो सकता है, सही तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर नहीं पाई का वैल्यू तो क्या होता है 22/7 होता है, माइनस किया 3.14 और कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करके वो इसे पी बाय क्यू के फॉर्म में ले ही आया, तो उसने कहा कि सर ये तो रेशनल नंबर है, ये क्या है, ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल मतलब जो डिफाइन हम किससे करते हैं, सो क्यू से, तो बेटा ये भी गलत है, एक्चुअल में आंसर आएगा इरेशनल। तो अब आपके मन में डाउट क्या आया, सर पाई माइनस 3.14 इज इरेशनल, बोले सर इरेशनल आपने बोल दिया, बताया नहीं कैसे, ठीक है ये चीजें तो बता दी, अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको इरेशनल कैसे। तो सबसे बड़ी जो कहानी है ना वो पाई की है, और जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, चूंकि आप क्लास 10 पढ़ रहे हो, पर जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, वनडे एग्जाम होती है, उसमें पाई के बारे में पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चे आंसर गलत देते हैं, तो पाई की कहानी को समझ लेते हैं। हम लोग कैलकुलेशन से जो पाई का वैल्यू यूज करते हैं 22/7 या फिर 3.14, ये पाई का वैल्यू एक्चुअल में है ही नहीं, ये एक्चुअल में पाई का वैल्यू है ही नहीं,
ये पाई का अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू है, ये पाई का जो है क्या है, ये पाई का अप्रोक्स वैल्यू है। और अगर भैया आप अप्रोक्स वैल्यू लेके उसको रेशनल बताओगे तो गलत तरीका हुआ। ऐसे तो मैं हर चीज को रेशनल बताऊंगा, 3.12349 8 को मैं 3.12 लिख लूंगा अप्रोक्स में, और 3.12 लिखने के बाद इसको बोल दूंगा इरेशनल है, जबकि ये इरेशनल है, ये रेशनल है। तो हम अप्रोक्स वैल्यू से रेशनल इरेशनल नहीं बता सकते, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होना। तो आप लोग जो वैल्यूज ले रहे थे 3.14 और 22/7, ये पाई का वैल्यू अप्रोक्स है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो फिर पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? तो साहब पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, वो आप अगर चाहो तो गूगल पे सर्च करना, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होगा 3.142। मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 3.142239875287 ऐसे कुछ आएगा, और इतना बड़ा वैल्यू आएगा कि ये खत्म ही नहीं होगा, चले जाएगा चले जाएगा चले जाएगा। तो मेरी बात तो समझना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू मुझे याद नहीं है। मैंने आपको समझाने के कि जब आप पाई का गूगल पे सर्च करोगे तो ऐसा कुछ आंसर आएगा, और आपको मैंने पहले बताया कि जो दशमलव के बाद खत्म नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं, उनको बोलते हैं NTNR, और जितने भी NTNR नंबर है वो सब क्या है, इरेशनल है। तो साहब पाई जो है ना एक इरेशनल नंबर है, और जब एक इरेशनल नंबर में से किसी रेशनल नंबर को घटाते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि सर पाई क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। पाई माइनस 3.14 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हमने लिख दिया सर पाई इज अ रेशनल नंबर, और अगर पाई रेशनल नंबर है देन पाई माइनस 3.14 इरेशनल लिखना था, गलती से लिख दिया मैंने, पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, NTNR, इरेशनल नंबर, और अगर पाई इरेशनल नंबर है तो पाई माइनस 3.14 भी क्या होगा, ऑल्सो इरेशनल, ठीक है, ऑल्सो इरेशनल। क्या यहां तक कहानी आपको क्लियर हुई? तो ये एक सवाल था जिससे हमने और चीजें समझी। तो यहां पर आपने क्या समझा इस सवाल में, याद ये रखना है कि पाई रेशनल नहीं है, पाई क्या है, पाई जो है वो इरेशनल है, पाई क्या है, इरेशनल है। तो मैं यहाँ पर एक बार और डिफाइन कर देता हूँ शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाई जो है वो इरेशनल है, इरेशनल को डिफाइन करते हैं क्यूडेस से, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, नोट, ठीक है, रिमेंबर दैट पाई इज इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं होता, चले जाता है और बदल बदल के आता है। दैट मींस पाई का जो वैल्यू वो NTNR है, और जितने भी NTNR नंबर है वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर बात यहां तक, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां पर कुछ सिंपल से क्वेश्चन मैंने फिर से लिए हैं। यहां पर लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, 1, 2, 3, ये देखो ये नेचुरल नंबर है और होल नंबर यहां से होते हैं जीरो से। तो भैया जब ये सारे के सारे होल नंबर है तो ये भी होल नंबर होंगे, तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर ट्रू, ये ट्रू है। तो आप लिखोगे यस एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? तो इंटीजर क्या होते हैं सर, इंटीजर होते हैं ऐसे, ये चले जाते हैं इधर, 1, 2, 3, ये सारे क्या है, इंटीजर है, ये सारे क्या है, इंटीजर। तो क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है? नहीं सर, होल नंबर केवल इतने ही है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स। सर सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, कुछ इंटीजर, ये सारे इंटीजरों में से कुछ इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो अगर यहाँ एवरी इंटीजर की जगह लिख दे सम इंटीजर तो वो सही होगा, सम इंटीजर्स आर होल नंबर बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ठीक है, क्लियर बात यहां तक। चलिए आगे देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं। 3/2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि p by q की फॉर्म, क्या ये होल नंबर है, नहीं है। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, क्लियर बात यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है, एक चीज हमारे पास छूट गई है कहीं पर, देखते हैं कहां छूटी है चीजें हमारी, ये रहा। तो आप लोगों ने इतनी चीजें तो कवर कर ली, अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो मैंने यहां पर कुछ नंबर लिखे, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 13। तो आप सोचोगे कि सर यहां पर मैंने कुछ नंबर लिखे हैं और कुछ नंबर मैंने छोड़ दिए हैं, कुछ नंबर लिखे हैं कुछ मैंने छोड़ दिए हैं। आप सोचिएगा जरा कि मैंने इन्हीं नंबरों को क्यों लिखा, क्योंकि ये दुनिया के वो नंबर हैं। देखो दो किससे डिवाइड होता है, एक से डिवाइड होता है क्या, दो जो है वो एक के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, और किसके टेबल में आता है, दो के टेबल में आता है।
तीन किसके टेबल में आता है, एक की और तीन की। फाइव किसके टेबल में आता है, वन की और फाइव की। सेवन किसके टेबल में आएगा, वन और सेवन। इलेवन किसके टेबल में आएगा, वन और इलेवन। तो मैंने वो नंबर लिखे हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। अच्छा फैक्टर क्या होते हैं समझ रहे हो, फैक्टर, ये फैक्टर कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, फैक्टर। फैक्टर मतलब कि ऐसे नंबर जो टू को डिवाइड कर सकते हैं वो टू के फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर जो थ्री को डिवाइड कर सकते हैं वो थ्री के फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो उस नंबर के फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो इन नंबरों में खासियत है, इन नंबरों में खास बात क्या है कि सर ये वो नंबर है जिनके केवल दो फैक्टर हैं। तो हम लेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर, नंबर्स, नंबर्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच हैव ओनली ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, विच हैव ओनली टू फैक्टर। ऐसे दुनिया के ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दुनिया के ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं सर, अगर ये प्राइम है तो फिर बचे हुए क्या होंगे, तो मैंने यहां पर लिखा दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो आती है कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर, जो नंबर छूटे हैं जैसे चार, ठीक है, चार छ आठ नौ बारह, ठीक है। इन नंबरों को देखें क्या है जरा, ये जो नंबर है देखो, ये नंबर फोर किससे किससे डिवाइड हो रहा है सर, ये एक से। अरे देखो एक तो है ना भगवान है, यूनिवर्सल है, वो किसी को उड़ा सकता है, ठीक है। और प्राइम नंबर में क्या होता है सर, भगवान तो किसी को उड़ा सकता है, एक तो दुनिया में किसी भी नंबर को उड़ा सकता है, पर प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो खुद से भी उड़ सकते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और एक से, नंबर विच है डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, या नंबर्स विच है ओनली टू फैक्टर दैट इज वन एंड इटसेल्फ। जो ओनली टू फैक्टर है वो कौन से होंगे, वन एंड इटसेल्फ। यहां पर आते हैं तो फोर किससे डिवाइड हो रहा है, फोर डिवाइड हो रहा है वन से, टू से और फोर से। सिक्स किससे डिवाइड हो रहा है, वन टू थ्री एंड सिक्स। एट डिवाइड हो रहा है वन टू फोर और एट। नाइन डिवाइड हो रहा है वन थ्री और नाइन। ट्वेल्व डिवाइड हो रहा है वन से टू से थ्री से फोर से सिक्स से और ट्वेल्व से। तो देखिए यहां पर इसके तीन फैक्टर हैं, इसके फोर फैक्टर हैं, इसके भी फोर, इसके थ्री फैक्टर हैं, इसके और भी ज्यादा फैक्टर हैं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, नंबर्स नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर, नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो नहीं दो से ज्यादा ही होना, तीन चार पांच आठ पंद्रह जितने भी हो, पर दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो ये वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो आप लोगों ने देखा क्या कि सर यहां पर दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, छह आ गया, सात आठ नौ ग्यारह दस भी आएगा यहां पर, है ना, यहां पर दस मैंने लिखा नहीं, यहां पर दस भी आएगा, ठीक है, मैं दस को भी लिख देता हूं, दस आ गया। दस किससे डिवाइड होगा, एक से दो से पांच से और दस से। दस आ गया, ग्यारह आ गया, बारह आ गया, सर पूरी गिनती आ रही, पूरे नेचुरल नंबर आ रहे, काउंटिंग नंबर सारे आ रहे, बस एक नहीं आया। तो एक की क्या कहानी है, तो मैं यहां पर एक के बारे में लिख रहा हूं। एक जो होता है ना साहब, एक बड़ा पक्का नंबर होता है, ठीक है। एक जो है, मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या कहता है, कि ऐसे नंबर प्राइम कह दो जिनके दो फैक्टर हों। तो हमने कहा ये वो नंबर हैं जिनके दो बच्चे हैं, जिनके दो बच्चे हों वो प्राइम, और जिनके दो से ज्यादा हो वो कंपोजिट। पर ये एक ऐसा है जिसके दो बच्चे नहीं है, ठीक है भाई। प्राइम नंबर का जो गांव है, उन लोगों ने कहा है कि हमारे गांव में वो लोग रह सकते हैं जिनके दो बच्चे हों, तो वो यहां आ सकते हैं। कंपोजिट ने कहा कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे यहां जाओ। अब ये एक जो है वो सोच रहा है कि सर मैं किससे डिवाइड होता हूं, तो ये जो एक है उसका केवल एक ही फैक्टर है, एक, एक को एक ही उड़ा सकता है, तो उसका एक ही फैक्टर हुआ, ना उसके दो फैक्टर है ना दो से ज्यादा है। ये कह रहा है दो फैक्टर वाला यहां आ जाओ, ये कह रहा है दो से ज्यादा वाला यहां जाओ। एक जो है उसके दो भी नहीं है, दो से ज्यादा भी नहीं, एक ही फैक्टर है। तो जो एक होता है ना, ये होता है नीदर प्राइम, तो बोलते हैं नीदर प्राइम। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये नंबर प्राइम होता है, ना तो ये कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। या ना तो ये नंबर प्राइम होता है, ना तो ये कंपोजिट होता है। ऐसे एक और नंबर है जीरो भी, जीरो भी जो है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है। जीरो भी ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट, उसके भी फैक्टर नहीं होते, उसका तो कोई भी फैक्टर नहीं होता, खुद ही एक जीरो है, ठीक है। तो जीरो और एक, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्या इतनी कहानी क्लियर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं। तो आइए, अगर आपको प्राइम और कंपोजिट समझ में आया है तो यहां पर हम लोग कुछ सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। और सवाल हमारे पास क्या है, चलिए
सबसे पहला सवाल है आपके पास ये, एक मिनट हाँ भैया, चलो तो पहला सवाल आपके पास जो है बताइएगा कि क्या ये प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। चलो ये रहा, क्या लिखा हुआ है, उम्मीद है आपको विजिबल होगा, क्या लिखा हुआ है, 7 × 11 × 13, ये आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 7 × 11 × 13 + 13, क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, बताएं, सॉल्व करें और बताएं क्या ये प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। वीडियो पॉज कर लो, पहले सॉल्व करो फिर देखना आप आगे। चलिए उम्मीद है आपने सॉल्व करके देख लिया होगा। अब यहाँ पर देखो 13 यहाँ पर भी, 13 यहाँ पर भी, 13 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो मुझे पता है अंदर बचेगा 11 × 7 मतलब 77, मैं लिख देता हूँ एक बार, ये बचेगा और प्लस में यहाँ बचेगा 1, ये आपके पास हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 77 + 1 = 78। और मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 × 78 × 1, तो लिख ही सकते हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये एक ऐसा नंबर है जिसके तीन फैक्टर हैं, ये भी है ये भी ये भी, ये जो नंबर है ये जो भी आंसर आएगा ये आंसर किससे डिवाइड होगा, सर ये 13 से भी डिवाइड होगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 78 से भी डिवाइड होगा, और जब यहाँ 78 है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमें क्लियर समझ में आ गया कि सर नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर, तो यहाँ पर क्या है सर 1, 2, 3 और 3 से ज्यादा ही है, पर मुझे केवल क्या पता करना है 2 फैक्टर होना चाहिए या 2 से ज्यादा, ज्यादा कितनी भी हो, तो मुझे इतना पता चल गया 2 और 1 खुद, 1 तो दुनिया में खप उड़ा सकता है तो 1 तो होता ही है। तो ये वो नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसके मोर देन टू फैक्टर, तो आप लिखोगे मोर देन टू फैक्टर। और अगर बेटा 2 से ज्यादा फैक्टर है तो हम क्या कहेंगे, इट इज कंपोजिट। क्या क्लियर है इतनी बात, इट इज कंपोजिट नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं आपका। तो क्या है अगला सवाल आपके पास, ये जरा मुझे आंसर देंगे, या आंसर नहीं देंगे तो सारे आंसर लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लें एक बार, आप इसको नोट कर लेना भैया, ठीक है इसे नोट कर लेना आप। क्या लिखा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, देखो जरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ये है और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि एक जीरो प्राइम होता नहीं है, एक प्राइम होता नहीं है, 0 और 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो वो प्राइम में है ना तो वो कंपोजिट में है, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर आया वो कौन आया, 2 आया, ठीक है। ऐसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, क्लियर, ये एक तो है 4 और ये है 2। एक और बात देखो यहाँ पर, एक अच्छी बात क्या दिख रही है, ये जो 2 है ना ये इवन भी है, क्या है, इवन, बाकी सब ऑड है, ये ऑड है ये ऑड है, और आगे जितने भी नंबर प्राइम आएंगे सब ऑड आएंगे, मतलब प्राइम नंबर में इवन केवल एक ही होता है, वो कौन होता है, 2, और इम्पोर्टेंट है इससे क्वेश्चन बनता है, 2 है मतलब मैं कह सकता हूँ ओनली इवन प्राइम नंबर, इसको मैं कह सकता हूँ ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन, इवन के साथ साथ क्या है वो, ओनली इवन के साथ साथ प्राइम भी है, ओनली इवन के साथ ये प्राइम भी, ओनली इवन प्राइम, इसको याद रखना, नोट कर लेना साइड में, ओनली इवन प्राइम, इवन प्राइम एक ही नंबर होता है 2, बाकी सब ऑड प्राइम होते हैं, बाकी सब ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये वाला हो गया आपके पास, ये चीजें आपको समझ में आ गई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, ओनली इवन प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है ना, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, एड नहीं है ऑड है ना था, ऑड कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर, तो सबसे पहला कंपोजिट 4, फिर कंपोजिट 6, फिर कंपोजिट 8, फिर कंपोजिट 9, देखो ये वाला इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, पर ये ऑड है, तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट 9 हो गया, क्योंकि उससे छोटे कंपोजिट तो हैं पर वो ऑड नहीं है, तो सबसे छोटा कंपोजिट और साथ में क्या ऑड भी होना, कंपोजिट तो छोटे मिल जाएंगे पर ऑड कंपोजिट नहीं मिलेंगे, उसके बाद जो नंबर छोटे हैं, जो छोटे कंपोजिट नंबर है वो सब क्या है, इवन है, तो ये इवन है, तो सबसे पहला नंबर जो लगा ऑड वाले का वो कौन सा लगा, 9, तो यहाँ पर हो गया ये 9। ऐसे ही ऑड प्राइम नंबर की बात करें तो सर इवन प्राइम नंबर सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, तो ये इवन है और ये ऑड है, तो ऑड प्राइम नंबर क्या हो गया 3। उम्मीद है ये एक एक नंबर के छोटे छोटे सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आगे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, और ये चीजें क्वेश्चंस में यूज होती है, अगर आपको ये नहीं पता ना अच्छे से तो आप क्वेश्चंस क्रिएट नहीं कर पाओगे आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल आपके पास ये रहा है ना, और ये अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको ये मान के चलिए स्टैंडर्ड जो सीबीएसई वाले हैं उनको ये 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। अच्छा सवाल है और लॉजिकल है, ठीक है चलिए समझते हैं क्या कह रहा है साहब। कह रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स, थ्री प्राइम नंबर्स इज 100। तीन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते। तीन प्राइम नंबर है जिनका सम कितना है 100, और वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 36। तो मैंने यहां लिखा लेट थ्री प्राइम नंबर्स, लेट थ्री प्राइम नंबर्स, ठीक है तो क्या होंगे वो तीन प्राइम नंबर्स। तो मैंने लिखा सर तीन प्राइम नंबर है, तो मान लेते हैं कि जो पहला प्राइम नंबर होगा वो x होगा। उसने कहा है कि वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय थ्री, तो एक नंबर दूसरे से 36 ज्यादा है, एक नंबर दूसरे से 36 ज्यादा है, 36 ज्यादा है, तो अगर एक x है तो अगला होगा x प्लस 36, और तीसरा मुझे पता नहीं तो मैंने y लिख दिया। और वो कह रहा है कि इन तीनों का जो सम होगा x प्लस 36 प्लस y, ये कितना होगा 100। मैंने जब ऐड किया तो ये हो गया 2x, ये वाला y, और 36 जब माइनस होगा तो उम्मीद है ये 64 आएगा। क्लियर, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, बस यही चीज आपको समझनी है, ध्यान समझना यहाँ पर क्या हो रहा है। सर ये तो एक प्राइम नंबर है ना, ये तो एक प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है तो आप खुद सोचो हमें आंसर 64 लाना है, क्या दो प्राइम नंबर को ऐड करने पर 64 आ सकता है। मान लो मैंने एक नंबर 3 ले लिया और मुझे 64 लाना है तो फिर मुझे क्या चाहिए यहां पर 61 चाहिए, ठीक है क्या इतनी बात क्लियर है आपको। आपको दो प्राइम नंबर चाहिए, तो यहां पर आपको यह समझना है कि जो तीसरा नंबर था ना, जो तीसरा नंबर छूट गया था वो होगा ओनली इवन प्राइम नंबर, वो क्या होगा ओनली इवन। देखिए एक चीज और समझिएगा सर, ये जो प्राइम नंबर ये 2 का मल्टीपल है, मतलब यहां से जो 2 का मल्टीपल निकलेगा मतलब आपको ऑड नंबर मिलेगा, यहां से आपको आंसर क्या मिलेगा, यहां से आपको आंसर मिलेगा इवन नंबर। मैं लिख देता हूं इवन, क्यों इवन, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, और जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इवन नंबर कहलाते हैं। तो ये जो भी आंसर होगा x का वो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा आपको, इवन नंबर देगा। अब मुझे बताओ क्या आप इवन नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ोगे तो आपको 64 मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर इवन में इवन जोड़ोगे तो ही 64 आएगा, है ना, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर होता है, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर होता है। तो देखो ये इवन आएगा, ये आपको ऑलरेडी इवन दिख रहा है, तो आपको खुद सोचना है कि सर मुझे एक इवन नंबर दिया हुआ है और एक कुछ ऐड करना है तो इवन चाहिए, तो ये पक्का हो गया कि यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इवन नंबर, और इवन नंबर के साथ में ये तीनों नंबर क्या है प्राइम है, तो इवन प्राइम की बात हो रही है। और जैसे ही आपने समझा कि सर इवन प्राइम, तो इवन प्राइम तो ओनली कौन होता है, ओनली इवन प्राइम नंबर, अभी मैंने बताया था ओनली इवन प्राइम नंबर 2 होता है, इसके बाद जितने भी प्राइम है वो इवन नहीं होते, वो ऑड होते हैं। और हमें यहाँ ये पता चल गया क्वेश्चन को देख के कि हमें यहाँ पर प्राइम नंबर तो चाहिए पर साथ में इवन चाहिए, तो हमें पता चल गया दैट मीन्स दैट इज क्या हो गया, दैट इज जो y का वैल्यू होगा ना वो 2 होगा, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये आपको पता नहीं था कि आपने यहाँ निकाल लिया, अब आप लिख दोगे सर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 64, अब आपके लिए हलवा हो गया, तो 2x इक्वल टू 62 माइनस होगा इधर, तो 2x इक्वल टू उड़ा दो जिससे जिसको उड़ा दिया, तो x इक्वल टू आ गया 31, तो एक नंबर हो गया 31। अब आपको तीनों नंबर चाहिए, ये हो गया 31, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 31 प्लस 36 67, और अगला हो गया 2। तो ये वो तीन नंबर हैं जिनका सम 100 आ रहा है और तीनों ही क्या है प्राइम नंबर है। तो आपसे क्या पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर आपके पास हो गया 67, आंसर हो गया आपका 67। उम्मीद है ये कहानी आपको क्लियर हुई होगी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने समझा होगा। तो इवन नंबर को जोड़ने पर ही इवन आता है, मतलब ये इवन है, ये इवन है, तो इसमें भी इवन होना चाहिए, और ये इवन होगा तो 2 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है क्लियर कहानी यहाँ तक। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक डीपीपी है, इसको आप सॉल्व करें, है ना, इसको आप सॉल्व करें। अगली क्लास जो हमारा अगला लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2, उसमें मैं ये डीपीपी आपको सॉल्व करवाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें, इनमें कुछ क्वेश्चन है वो आप कवर करने की कोशिश करें, अगर नहीं आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दें कि मुझे डीपीपी का ये वाला नंबर का सवाल नहीं आया, तो मैं वो आपको कवर करवा दूंगा, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन ना लो। पर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये लिखना पड़ेगा तो वीडियो सेकंड में आपको मिल पाएगा, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं आप अपनी अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।